जय भोली के बच्चों, एनालिटिकल पैराग्राफ ने बहुत नाक में दम कर रखा है ना, समझ नहीं आता क्या करना है कैसे करना है। तो सुनो, पांच टिप्स बता रहा हूँ, इसको अगर फॉलो कर लिया पूरे नंबर तुम्हारी जेब में रख लेना, ठीक है भाई। क्या है टिप्स? देखो भाई साहब, एनालिटिकल पैराग्राफ में आपको सबसे पहला काम है क्या, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान से क्या करना है, आपको उसमें जो डेटा दिया गया है उनमें जो डिफरेंसेज हैं दोनों क्वांटिटीज में, वो आपको देखने हैं। मेजर डिफरेंसेज कहाँ पर है सर, हमें तो बस डिफरेंसेज चाहिए, बस इतना आपने कहा कर लिया क्वेश्चन से कर लिया। अब आ जाओ अपनी आंसर शीट पर। आंसर शीट में क्या करना है सर, तीन पैरा लिखने हैं टोटल, पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी, तीसरा कंक्लूजन। अगर दो तीन से ज्यादा क्वांटिटीज हैं तो फिर दो पैरा कर देना बॉडी में बस। इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, सिर्फ मेरे लाल एक लाइन लिखनी है, क्या दिस पैराग्राफ शोज, और जो भी पैराग्राफ में बताया वो बस, और कुछ भी नहीं लिखना। दूसरे पैराग्राफ बॉडी में आ जाओ, बॉडी में आपको बेटा बतानी है कि ये क्वांटिटी है क्या क्या, क्या क्या चीजें शो हो रही है वहां पर, एक आध फैक्ट दे दो रेलिवेंट, जो कि वहां पर डेटा गिवन वही देना है। देन आपको क्या शो करना है, अगर कोई ट्रेंड दिया हुआ है पैराग्राफ में कि दिख रहा है कोई लाइन चढ़ती हुई जा रही है या उतरती हुई जा रही है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दो। एंड कंपैरिजन बताओ, कंपैरिजन से मार्क्स मिलते हैं वहां पर, कंपैरिजन शो करो दोनों क्वांटिटी में। इतना कर दिया, बॉडी का काम खत्म, और कुछ नहीं करना, टाटा बाय बाय। आ जाओ कंक्लूजन में। कंक्लूजन में क्या करना है, जो भी तुम्हें पैराग्राफ के ऊपर से लेकर नीचे तक दिखा बस वो उतार के लिख दो। मतलब कि सर ऐसे ऐसे पैराग्राफ में हमारा क्या हुआ, ये डेटा पहले बढ़ता गया, इसका ट्रेंड चढ़ता गया, लेकिन फिर बीच में ये डाउन हुआ, देन फिर बढ़ा, और फिर एंड में आते आते ये और डाउन हो गया। जो भी उसमें दिया हो वैसे कर देना। ये तो हो गई तुम्हारे भाई लिखने लिखने की बातें। अब टिप्स क्या होती हैं जो बच्चे फॉलो नहीं करते, या भाई उनके वैसे उनके नंबर कटते हैं। हमें अपनी जानकारी नहीं देनी, हमारे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, सॉरी सर कोई नहीं पूछ रहा आपसे। उसके अलावा भाई जो भी लिखो वो पैर क्वेश्चन से ही लिखना ना, कहीं भी बाहर से कुछ मत लिखना, नंबर काट देगा टीचर। बाकी साफ साफ राइटिंग में लिखना, पूरे नंबर मिलेंगे मेरी तरफ से, भाई टीचर भी तुम्हें देगा, ठीक है, मेरी तरफ से नहीं। ओके, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय भोले की। और हाँ यार, तुम्हारे लिए कुछ यूजफुल वर्ड्स जिनसे तुम कंपैरिजन शो कर सकते हो, ट्रेंड शो कर सकते हो, और टीचर तुम्हें बढ़िया बढ़िया नंबर देगा भाई, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए, डिस्क्रिप्शन में जाओ जाके देखो, याद कर लो उन्हें। ओके।